ये जी आ गया पनीरी का भी। ये जी मशीन में डालना, हम लोगों ने दवाई वगैरह इसको ही लगा दी है पहले से, आप लोग जी देख सकते हैं। शरद ऐसा कौन है बंदा मशीन जी फिर ठीक हो गया और काम जी पूरी धराधर के साथ हो रहा, आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 700 के करीब हम लोगों ने ट्रे वगैरह लगा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ वीडियो को लाइक कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह जी तुड़ी वाले कान से मैं फाड़ होगा काफी हद तक, और आज ही मैं अपनी वीडियो आने के लिए आप लोगों को मालूम होगा कि आगे जी मौसम आ रहा जी मूंजी लगाने का, तो मूंजी जो मशीन से लगती है उसके लिए जी पनीरी उगानी पड़ती है तकरीबन एक महीना पहले। तो मैं और साथ एक दो भाई है हम लोग जी पनीरी बीजने आया, तो उसके लिए क्या प्रोसेस था वो आप लोग को दिखाते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने इधर जी छलना वगैरह लगाया हुआ, और इधर जी बड़ी मिट्टी जी काड़े ये चेक करो, इधर जी मोटी मिट्टी है तो आई जान जी बेलची की मदद से मिट्टी इधर फेंगड़ा, तो जितनी भी बड़ी मिट्टी है वो जी जालियों की मदद से आगे आ रही है। ये चेक करो जितनी बड़ी मिट्टी है वो जी इधर आ रही है, और इस तरह ये हम लोगों ने बड़ी मिट्टी काफ़ी हद तक करनी है, क्योंकि जो पनीरी पीसने वाली मशीन होती है उसमें जी मोटी मिट्टी नहीं चलती, तो बराड़ी उसकी छोटी होती है, तो इसलिए जी बड़ी मिट्टी चाहिए। तो ये चेक करो भाई जान जी बड़ी मिट्टी काड़े अलहमदुल्ला, बाकी मेरी कही ये भाई जान की, तो इधर जी दाना भाई जी इधर दर से बड़ी मिट्टी काट है, बाकी वो इधर ही मशीन वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो पहले ये प्रोसेस चेक करो जी, ये जी इसी तरह हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिट्टी जी करते जाना। ये रहा जी खेत, ये जी बराबर वगैरह किया हुआ, और इधर जी ट्रे वगैरह पनीर वगैरह उगा दी गई है, आप लोग देख सकते हैं तकरीबन एक तारा मनो लगाई है कल की, कल जी सिर्फ टेस्ट किया, आज लगानी है। ये जी ट्रे रखे हुए हैं, इनके अंदर जी पनीर वगैरह बीज वगैरह लगाया था, और ऊपर जी मिट्टी दी जाती है, इधर जी मिट्टी डालते हैं, ये पनीर बीज वाली मशीन है, इधर जी कंप्यूटर लगता है, LCD भाई जान घर से लेने गया, कल जी खराब हो गई थी तो न्यू ले आनी है, ये जी चाबी इसका हाई लो गेट, इधर जी ट्रे रखना, ट्रे नीचे जाना, तो इधर से जी ट्रे ऐसे जी बाहर आते जाना, तो ट्रे के नीचे ये आप लोग देख सकते हैं कि बीज वगैरह रखा हुआ, तो इसके अंदर जी कैमरा वगैरह भी लगा हुआ, ये चेक करो जी नीचे बीज वगैरह जी ट्रे में आ गया, तो आगे आगे मिट्टी डाल जाएगी और ऐसे जी मशीन उतारती जाएगी। ये रही जी मशीन, बाकी जी इधर बीज वगैरह डाला जाता है, ये चेक करो जी बीज वगैरह डाला गया, तो इस ट्रे में जी 20 ग्रामों की मदद से डाला जाता है, तकरीबन एक ट्रे में 100 ग्राम के करीब जी बीज वगैरह डाला जाता है। तो अभी भाई आते हैं तो मशीन चलाते हैं, वो भी आप लोग दिखाते हैं। तो अभी जी पहले हम लोग ये काम कर रहे हैं जी मिट्टी वगैरह बारीक करने का, ये चेक करो माशाल्लाह जी काफ़ी हद तक तकरीबन एक घंटा हम लोगों को लगा दो, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जी बारीक कर दी। तो भाई आते हैं तो मशीन चलाते हैं और पनीरी बनाने का तरीका भी आप लोगों को दिखाते हैं अलहमदुल्ला जी। तो इधर जी तरह तरह से काम हो रहा है, तो अलहमदुल्ला जी इसी तरह हम लोगों ने मिट्टी काफ़ी ज़्यादा बड़ी करनी है। भाई जान गया जी LCD लेने मशीन की, आते हैं तो मशीन चलाते हैं और आप लोगों को जी पनीरी उगाने का तरीका भी बताते हैं अलहमदुल्ला जी। ये जी भाई लोग आ गया, तो अभी जी मशीन वगैरह की सेटिंग वगैरह हो गया, तो फिर जी मशीन चलाते हैं। चैन टूट गया है, अभी इसको सेट करो, ये जी इधर मशीन की बैटरी वगैरह ला के तो लगा दी गई है जी, मशीन की जी सेटिंग वगैरह हो गया, तो अभी जी अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये जी आ गया पनीरी का भी, ये जी मशीन में डालना, हम लोगों ने दवाई वगैरह इसको ही लगा दी है पहले से, आप लोग जी देख सकते हैं। शरद ऐसा कौन है बंदा अलहमदुल्ला जी, अल्लाह ताला के करम से मशीन वगैरह ठीक हो गया, तो अभी जी मशीन में बीज वगैरह डाला जा रहा, मिट्टी वगैरह डाल दी है, तो अभी जी अपना काम अल्लाह के करम से शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं इधर से ट्रे रखे जा रहे हैं, मिट्टी और बीज मिक्स ट्रे में हो के तो आगे से निकल रही है, ये चेक करो जी अलहमदुल्ला काम हमारा जी चल पड़ा है, ये आप लोग जी देख सकते हैं। और इधर जी दाना भाई और साथ में जी दापड़े में मिट्टी डाल के तो मशीन में डाल रही है, आप लोग जी देख सकते हैं, ये चेक करो जी हम लोग मिट्टी मशीन में लेकर जा रहे हैं। ये जी मिट्टी गई सीधा मशीन में, आप लोग देख सकते हैं मिट्टी से हम लोगों ने मशीन भर दिया सेंटर में जी, हम लोगों ने बीज वगैरह डाला हुआ, तो भाई इन्होंने काम शुरू कर दिया, ट्रे वगैरह लगाना है जी फिर शुरू कर दिया जी, ये चेक करो इधर से ट्रे वगैरह रखने और आगे से जी मिट्टी वगैरह और बीज वगैरह मिक्स होकर तो आगे ही निकलता जाना। ये रहा इधर पनीरी का बीज, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इधर पड़ा हुआ, तो सारा हम लोगों ने ये ख़त्म करना। तो मशीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि एक ट्रे में तकरीबन 100 या 110 ग्राम जी बीज आना है, तो एक ट्रे में अभी जी 150 ग्राम बीज आ रहा है, जो कि बीज जी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो अभी जी भाई जब मशीन की सेटिंग वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा जी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाना बीज का, क्योंकि ज़्यादा डाल रहा ट्रे में 100 के करीब जी बीज डालना था, और अभी जी 150 के करीब एक ट्रे में बीज आ रहा, मशीन की खराबी कर रही है, तो अभी जी भाई जान उसकी सेटिंग कर रहा है, सेटिंग करते हैं तो फिर जी मशीन स्टार्ट करते हैं अपनी जी। ये जी सामने मशीन की सेटिंग वगैरह हो रही है,
और माशाल्लाह ये रहे जी सारे ट्रे, इनमें जी बीज वगैरह लगा के इधर ही डालने हैं। तो तकरीबन 200 के करीब हम लोगों ने ट्रे वगैरह लगा दिया गया और 1000 के करीब जी इधर पनीरी हम लोगों ने उगानी है, मतलब ट्रे वगैरह 1000 लगाना। ये जी छोटा मीटर है जी पनीरी वगैरह ग्राम में जी नापने के लिए। तो धूप और गर्मी वगैरह जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जी हम लोग आगे जी शाम में पानी पीने के लिए भाई वगैरह जी सेटिंग वगैरह काट है, सेटिंग होती है तो फिर हम लोग जी मशीन चलाते हैं। लिया लिया पानी यार जाने की, तू तो पी शेरा फाट पानी है। मशीन जी फिर ठीक हो गया और काम जी पूरी तरह धर के साथ हो रहा। आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 700 के करीब हम लोगों ने ट्रे वगैरह लगा दिया, अभी 500 ट्रे और लगानी है, 1200 ट्रे इधर लगानी है और फिर इधर से काम जी खत्म हो जाना। ये जी पीछे से कुछ भी के ऊपर जी मिट्टी वगैरह नहीं आ रही, तो भाई जान जी उधर मिट्टी वगैरह लगा रहे हो, एक भाई जी ट्रे पकड़ा रहा है, एक भाई जी ट्रे लगा रहा है, मैं उस आज दाना भाई जी मिट्टी ला रहे, मतलब के सभी भाई जी धूप में काम लगे हुए हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी सुबह के 9 बजे हम लोग लगे हुए हैं और अभी दोपहर के 4 बज चुके हैं, तो तकरीबन हम लोग ने 1200 के करीब जी ट्रे वगैरह लगा दिया। आप लोग देख सकते हैं वो उधर तक किनारे तक कितनी ज़्यादा ट्रे हम लोगों ने लगा दी है, तो तकरीबन जी एक लाइन लगाने वाला रहती है तो हमारा काम इधर से ख़त्म हो जाना। तो फिर हम लोग ने ये मशीन उठानी है, ट्राली पर रखनी है, और साथ वाला खेत है एक और भाई की जी पनीरी उगानी है, तो वो भी हम लोगों ने जी उधर ले जानी है मशीन अपनी। तो तकरीबन जी एक तार लगाने वाला रह गया तो हमारा काम इधर से खत्म हो जाना। तो मिट्टी जी सारी खत्म हो गई, तो भाई जान जी बेल जी की मदद से जी मिट्टी छान रहा, क्योंकि मिट्टी की हमें जरूरत है, बड़ी मिट्टी जी चाहिए। तो शेरा भाई जी हमारा लग चुका काम पे, चलो शेरा जी सुटा काम। शेरा ठेकेदार हाडा है हाडा जी नैक, दोवे मालिक आंदे पे आयो आयो दबड़ा चुको। ये चेक करो काफी ज्यादा हम लोग ने ट्रे वगैरह लगा दी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह इधर से हमारा काम जी सारा खत्म हो गया, सारे ट्रे हम लोगों ने लगा दिए, मशीन जी बंद कर दी। तो अभी ये भाई ने उस किनारे पर एक बार डाल दिया और एक इधर, तो इसमें जी शाम को पानी छोड़ देना, तकरीबन एक महीना इस पनीरी की जी परवरिश करनी है, मतलब कि पनीरी को तैयार करना, एक महीने में तैयार हो जानी है। तो फिर हम लोगों ने दो दूसरी मशीन होती है जी मुंजी लगाने वाली, उसमें जी ये ट्रे वगैरह रखने और मुंजी वगैरह जी लगा देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी आप लोग देख सकते हैं हमारा काम जी फुली खत्म हो गया, भाई ने मशीन जी खेत से निकाल ली, ये जी छाना भी निकाल लिया। तो अभी जी ये मशीन दूसरे खेत में ले जानी है, आगे से ट्राली आ रही है, तो ट्राली में हम लोगों ने मशीन और छाना वगैरह लोड करना, तो जो अगले खेत में पनीर लगानी है उधर जी ले जाना। अल्हम्दुलिल्लाह ट्राली आ रही है, उसमें रख के लोड करके तो चलते आगे की तरफ जी। देखो जी अल्हम्दुलिल्लाह मशीन वगैरह बाहर निकाल दी, मिट्टी वगैरह जी खत्म होगी, बीज वगैरह भी चक्कर मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। हम भाई जी बाइक पे जा रहे हैं छाना लेके, तो दूसरा जो छिलका वो जी ट्राली पैक तो भाई जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये वाला रहा खेत जहाँ हम लोग ने पनीरी उगानी है, छानना वगैरह जी आ गया, शील्डर जी पीछे ट्राली पे आ रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी इधर हम लोगों ने शिफ्ट करके तो सुबह जी इधर आ काम करना, तो आज का ब्लॉग जी इधर ही करते आ खत्म। और मुझे कमेंट में लाइव बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा, तो मेरी मोस्ट इंटरेस्टेड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ बेल के बटन को दबा दे, ताकि मैं नई आने वाली हॉस्पिटल पहुंचे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।